17-17 गोलियां लगी हुई थी। माफ कीजिएगा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बोला नहीं जाता। जब मैंने ये सब लिखा है और बीता है, जो देखा है और जो अब भी मतलब लोगों पे बीत रहा है ना, मैं आपसे आपको बता नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अरशद शरीफ को उसका लैपटॉप और उसके मोबाइल वगैरह वापस क्यों नहीं मिले। अरशद शरीफ ना तो दहशतगर्द था और ना ही उन्होंने इनकी कोई खिलाफ वर्जी की। पुलिस से अगर गलती से इस पर गोली लगी तो अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल वगैरह वापस क्यों नहीं किया गया? क्या वो कीनिया पुलिस के पास है या अरशद शरीफ के जो दो साथी थे खुरम और वकार, क्या ये सारा चीजें उनके पास है? तो इसका जवाब कीनिया पुलिस को देना होगा। अरशद शरीफ के लैपटॉप और मोबाइल से वो सारा डाटा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अरशद शरीफ के लैपटॉप में वो सारे सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने लोगों के खिलाफ इकट्ठे किए हुए थे, और उससे साफ पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ कीनिया में क्यों गए थे और वो सबूत लेकर क्यों दाखिल हुए कीनिया के अंदर, और अरशद शरीफ के जो मुजरिम हैं उनको आराम से पकड़ा जा सकता है।